कैसी होती है देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाह रहा है। उनके रूट का प्रोटोकॉल क्या होता है? यह सवाल क्यों? क्योंकि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक सामने आई। इसके बाद वह अपने कार्यक्रम को रद्द करके वापस लौट आए। तो सवाल यह खड़ा हुआ कि आखिरकार प्रधानमंत्री की सुरक्षा का प्रोटोकॉल क्या है? भारत के प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं एसपीजी के सटीक निशानेबाजों की हर कदम पर तैनाती होती है, उन्हें तैनात किया जाता है। जानते हैं आप, यह शूटर एक सेकंड के अंदर आतंकियों को मार गिराने में सक्षम होते हैं, मादा रखते हैं। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं कि आखिरकार कैसी होती है सुरक्षा। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के पास, जवानों के पास एमएनएफ 2000 राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार होते हैं। एसपीजी के साथ साथ पुलिस भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री के स्थानीय कार्यक्रमों में एसपीजी के मुखिया खुद मौजूद रहते हैं। यानी कि किसी कारण से मुखिया मौजूद ना हो तो सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन उच्च पद के किसी अधिकारी को सौंपा जाता है। जब प्रधानमंत्री अपना आवास यानी कि जहां पर आवास है उनका, वहां से सभा में कहीं भी जाने के लिए, शामिल होने के लिए बाहर निकलते हैं घर से, आवास से, तो पूरा का पूरा रास्ता एक तरफ, जैसे जो रूट होता है उस रूट में एक तरफ यातायात का 10 मिनट के लिए उसे बंद कर दिया जाता है, 10 मिनट के लिए, और इससे भी ज्यादा होता है। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को गौर करिएगा और ध्यान दीजिएगा इस पर, क्योंकि इस बीच पुलिस के दो वाहन जो होते हैं वो सायरन बजाते हुए जिस रूट से प्रधानमंत्री को जाना होता है वहां पर गश्त करते हैं। दो वाहन होते हैं पुलिस के, और यह सुनिश्चित करने के लिए होता है। क्या सुनिश्चित करने के लिए होता है? कि जिस मार्ग से, जिस रास्ते से प्रधानमंत्री जा रहे हैं, गुजरेंगे, वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, वहां पर कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री के काफिले के ठीक आगे और पीछे पुलिस के सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां होती हैं। आपने देखा होगा बाई और दाई तरफ दोनों ओर वाहन होते हैं, और बीच में प्रधानमंत्री का बुलेट प्रूफ वाहन जिसमें वो सवार होते हैं। यह दरअसल इसलिए होता है कि हमलावरों को गुमराह करने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री के जो वाहनों के सामने दो डमी कारें भी शामिल होती हैं, जैमर लगे हुए वाहन शामिल होते हैं जिसे आप ऊपर एंटीना देखते हैं। यह एंटीना सड़क के दोनों ओर रखे हुए बमों को 100 मीटर की जो बताई जाती है दूरी, उसे डिफ्यूज करने में सक्षम होते हैं ये जैमर जो होते हैं। इन सभी कारों पर एनएसजी के सटीक निशानेबाजों का कब्जा होता है। मतलब साफ है कि सुरक्षा के मद्देनजर देश के प्रधानमंत्री के साथ लगभग 100 लोगों का एक दल होता है। यह नोट कर लीजिए। अभी मैं अपने मेहमानों की तरफ रुक करूंगा और इसी विषय पर मैं चर्चा भी करूंगा, लेकिन मैं आपको वो वीआईपी प्रोटोकॉल और खासतौर पर प्रधानमंत्री जब जाते हैं किसी राज्य में, घर से बाहर निकलते हैं, आवास से बाहर निकलते हैं, पीएमओ से जाते हैं, तब क्या प्रोटोकॉल होता है उसका जिक्र कर रहा हूं। जो मोटा मोटी जब प्रधानमंत्री चलते हैं तब भी वो वर्दी के साथ साथ सिविल ड्रेस में एनएसजी के कमांडो से घिरे होते हैं,
अब यह समझिए यहां पर, क्योंकि आपके जहन में अब एक सवाल होगा, क्योंकि आज जो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री की यू टर्न लेती हुई गाड़ियों की तस्वीरें, तो आपके जहन में एक सवाल आया होगा। सवाल यह आया होगा कि वीआईपी रूट का प्रोटोकॉल क्या है, क्या प्रोटोकॉल होता है, क्यों आखिरकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। अब समझिए प्रोटोकॉल क्या होता है। हमेशा कम से कम दो रूट तय होते हैं, वीआईपी जो रूट होते हैं वो दो रूट तय होते हैं, कम से कम तीन भी हो सकते हैं। किसी को रूट के पहले जानकारी नहीं होती कि वीआईपी मूवमेंट कहां होने वाला है, और कौन तय करता है अंतिम वक्त में, एसपीजी रूट तय करती है कि आखिरकार कौन सा रूट जो है उसे फॉलो करना है। किसी भी समय एसपीजी रूट बदल सकती है। एसपीजी और स्टेट पुलिस में कोऑर्डिनेशन रहता है, स्टेट पुलिस में, और स्टेट पुलिस से रूट क्लियरेंस मांग ली जाती है। पूरा रूट पहले से क्लियर किया जाता है और फिर उसे फॉलो किया जाता है। लेकिन जो कुछ फिरोजपुर में हुआ रैली से पहले, क्या वो वाकई सवाल नहीं खड़े करता? सीधे रुक करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। ओपी सागर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। ओपी सागर जी, आपको बता दें कि पूर्व आईपीएस हैं, वो हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। आकाश पंडित हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि नेता है किसानों के, और केबी त्रिपाठी जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे भी हम इस चर्चा में जानेंगे कि आखिरकार कांग्रेस क्यों ये कह रही है कि यह मसला सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा में चूक का नहीं है, यह मसला सियासी मसला है। यह कुर्सियां जो बकायदा कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल से कि यह कुर्सियां खाली थी और इस कुर्सियों को भरने का जिम्मा बीजेपी नेताओं के पास था, बीजेपी नेता कुर्सियां नहीं भर पाए जिस वजह से पीएम वापिस लौट गए, जो आरोप कांग्रेस का है। इसके साथ साथ संदीप दुबे इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे जो कि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के युवा चेहरे हैं। मैं सभी मेहमानों को अभी कार्यक्रम में शामिल करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ इन तस्वीरों को दिखाने के पीछे का मकसद एक और भी है। राजनीतिक तूतू मैमे से इतर मसला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक से जुड़ा है। प्रधानमंत्री किसी एक राजनीतिक दल के नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं, और देश के परिप्रेक्ष्य में हकीकत यह भी है कि हमारे देश ने दो दो प्रधानमंत्रियों को खोया। इसी सुरक्षा चूक का मैं जिक्र कर रहा हूं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो या फिर राजीव गांधी हो। ऐसे में यह मसला इसलिए भी बड़ा हो जाता है जब खुद देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा लौट आया, शुक्रिया। यहां पर स्थिति अपने आप में सवाल खड़ा करती है। अब मैं सीधा रुक कर रहा हूं अपने मेहमानों की तरफ। संदीप दुबे जुड़े हैं, केबी त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, आकाश पंडित जुड़ चुके हैं, और ओपी सागर जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं राजनीतिक तूतू मैमे से नहीं करना चाह रहा, मैं उस मसले को समझना चाह रहा हूं जिस मसले को लेकर सियासत हो रही है। ओपी सागर सर, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, और मैं बहस के मूड में नहीं हूं, मैं चर्चा करना चाहता हूं, चर्चा। ओपी सागर सर, आपने बतौर पूर्व आईपीएस, मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाह रहा हूं जो हजारों करोड़ों लोगों के जहन में गूंज रहा है, और वो सवाल ये कि ये टकराव की स्थिति क्यों पैदा हुई, क्या प्रोटोकॉल होता है देश के प्रधानमंत्री या वीआईपी जब आते हैं, मूवमेंट क्या होती है स्टेट पुलिस की और एसपीजी की। ओपी सागर सर, तिलक जी आपने खुद ही इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन पहले ही दे दिया है चर्चा को शुरू करने से पहले। देखिए, जब प्रधानमंत्री कोई भी हो, देश का हो, वो किसी पार्टी का नहीं होता, देश का प्रधानमंत्री। जी खुद ही कह दिया है, मैं हमारा उसको उठा रहा हूँ। और प्रधानमंत्री है बहुत बड़ा, जो इसको हम के इसमें चूक नहीं रख सकते। देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक ब्लू बुक होती है, मैं बताता
बताया कि अमेरिका से इंडिया में जो उसके गाइडलाइन में कैसे कैसे जो है, और स्टेट पुलिस से कोऑर्डिनेशन। ओपी सर आपका ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ प्लीज सर, क्योंकि ये सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से, हम वो ऑडियो में जो समस्या आ रही है उसको हम दूर करेंगे और फिर हम आपसे यही सवाल का जवाब जानना चाहेंगे जो पूरा देश जानना चाह रहा है। मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था यहाँ पर, के बी त्रिपाठी जी, जी जो हालात जो स्थितियां बनी ये अपने आप में सवाल खड़ा करती हैं। मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि मैंने पहली बार पत्रकारिता के जीवन में देखा कि देश के प्रधानमंत्री किसी रैली को करने जा रहे हैं और रैली को करने जा रहे हैं। सवाल यह खड़ा हुआ जब पहली बार मैंने देखा कि प्रधानमंत्री का काफिला यू टर्न ले रहा हूं। क्या वाकई में ऐसी परिस्थितियां थी कि प्रधानमंत्री की जान को खतरा था? मैं उस पद का जिक्र कर रहा हूं वो राजनीतिक तूतू मैमे से हटके, क्या आपको अफसोस नहीं है जो कुछ हुआ? तिलक जी, जो अभी तक की प्राप्त जानकारियां हैं उनके हिसाब से कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है और इसका कोई बात से नहीं है कि प्रधानमंत्री कार्यक्रम की सुरक्षा और जैसा आपने बताया कि पूरा प्रोटोकॉल जो होता है वो बिल्कुल ही अलग तरह से डिसाइड होता है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला है। कुर्सियां खाली थी, वहां की व्यवस्था ठीक नहीं थी और उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है। मुख्यमंत्री जी ने अपना स्पष्टीकरण मीडिया के सामने दिया है और सारी चीजें उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि किस तरह की परिस्थितियां थी, किस तरह से इंतजाम हुआ। लेकिन मामला यही है कि ये किसी का निजी मामला नहीं। 20 मिनट तक अगर जो प्रधानमंत्री जी वहां पे रुके हुए थे तो ऐसा सुरक्षा का कौन सा मामला हो गया कि वापस लौटना पड़ गया और कोई दूसरा रूट नहीं था? जब जो पहले प्रोटोकॉल भेजा गया त्रिपाठी जी, जब स्टेट को ये नहीं मालूम था कि पीएम किस रूट पर जाएंगे तो इन प्रदर्शनकारियों को कैसे मालूम चल गया कि वो किस रूट पर आखिरकार देश के प्रधानमंत्री आने वाले? यही तो पूछ रही है कांग्रेस पार्टी, यही तो समझ में नहीं आ रहा। जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम दिया गया उसमें प्रधानमंत्री भाई रोड जा ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी की जो जाने का पूरा प्रोटोकॉल मिल दिया गया प्रदेश सरकार को, वो और प्रधानमंत्री जी के जाने का तरीका दोनों में कोई सामंजस्य नहीं बैठ रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं साफ दिख रहा है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी, मैं इस बात से आपको जानना चाह रहा हूं कि यह मसला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्या आपको अफसोस नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह से यू टर्न लेकर वापस चले जाते हैं, रैली को आयोजित नहीं कर पाते और वो शासित राज्य आपका होता है? मैं यही तिलक जी कह रहा हूं, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक ताकतवर पद होता है, उसके आगे कोई भी और दूसरी चीज नहीं आती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए अगर जो कहीं ना कहीं चूक हो रही है तो क्या यह प्रधानमंत्री जी पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं पैदा होगा? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मतलब राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? राज्य सरकार को जो सूचनाएं दी गई थी, जो रूट दिया गया था, वो रूट ही फॉलो नहीं हो रहा था। अच्छा, आप ये कह रहे कि रूट फॉलो नहीं हो रहा था? मिनट टू मिनट प्रोग्राम जो प्रदेश सरकार से मुझे संदीप दुबे जी इत्तेफाक रखते के बी त्रिपाठी जी जो बात कह रहे हैं, कह रहे कि रूट फॉलो नहीं हो रहा था। संदीप दुबे जी का ऑडियो उठाइए प्लीज सर, आपने म्यूट कर रखा है उसे अनम्यूट करिए जी। हाँ, जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, कांग्रेस के जो साथी बार बार ये बात कह रहे हैं उनको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और यात्रा की योजना के बारे में पंजाब सरकार को पहले बता दिया गया था और जो प्रक्रिया होती है उसके अनुसार दशरथ और सुरक्षा के साथ साथ जो आकस्मिक योजना होती है वो भी सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। साथ में आकस्मिक योजना के मद्देनजर पंजाब सरकार को सड़क मार्ग से किसी भी आंदोलन को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा तैयार करनी थी, जिसमें असफल हुई। अब सरकार पंजाब सरकार की है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है और आप इस तरह के विषय पे गंभीर चिंतन करने की वजह इसे राजनीतिक कर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं पता था कि चुनाव प्रचार में जो प्रधानमंत्री जी हैं
42,750 करोड़ की जो योजनाएं थी उसकी सौगात देने वाले थे पंजाब को। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होना था, फिरोजपुर में जो पीजीआई सेटेलाइट सेंटर है उसका उद्घाटन होना था, कपूरथला होशियारपुर में दो नए मेडिकल कॉलेज थे वो शामिल थे। इतना बड़ा काम प्रधानमंत्री वहां करने गए, लेकिन आपको राजनीतिक अवसर तलाशनी है, राजनीतिक विवाद को जन्म देना है। आपको लगता है कि ये पूरा प्लान था? काम कर रहे हैं संदीप दुबे, आप ये कह रहे हैं कि पूरा प्लान था? ये पूरा कांग्रेस के मुख्यमंत्री इसमें शामिल है, पूरा प्लान था। आपको पता है डीआईजी मैं इसलिए ओपी सागर सर मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं दोबारा। नहीं मैं राजनीतिक तत्व में पढ़ना ही नहीं चाह रहा संदीप दुबे जी। मैं बहुत बड़ा चूक है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी चूक है, मैं राजनीतिक तत्व में नहीं पढ़ना चाह रहा, उसमें तुरंत कार्रवाई करना। मैं ओपी सागर सर मैं एक बात सर आपसे जानना चाह रहा, मेरा सवाल वही अधूरा रह गया था जवाब जो आप देना चाह रहे थे कि राजनीतिक तुतु में से इतर एक्स वाई जेड कोई भी राजनीतिक दल हो, जब वीआईपी मूवमेंट होता है, देश का प्रधानमंत्री है, वो कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं है उस वक्त जब वो पद पर हैं। बिल्कुल सही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये चूक आपको जो दिखाई देती है कि ये चूक खामी कहां दिखाई दे रही है? देखिए चूक तो एक तो ये जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए स्टेट पुलिस का और एसपीजी का, वो उसमें जरूर चूक है। इंटेलिजेंस कलेक्शन होता है पीएम के विजिट से पहले जी, हर तरीके का जो सूचना संग्रह किया जाता है, फिर रूट का निर्धारण जब हो जाता है तो रूट का निर्धारण के बाद अल्टरनेट रूट भी होता है जी। इस मामले में जो मुझे लग रहा है, इन्होंने देखिए जब एक रूट निर्धारित रूट इसलिए किया जाता है कि वहां पर सुरक्षा के सारे मानक जो हैं वो पूरे कर लिए जाए, भीड़ में आदमी लगाए जाते हैं, छतों पे जो है लोग लगाए जाते हैं ताकि कहीं से कोई हमला ना हो पाए, और इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें की गई थी। एसपीजी पहले से रिहर्सल करती है दो दो तीन तीन दिन पहले, तो यहाँ उस तरीके की चूक होने की संभावना नहीं थी। ये लास्ट मोमेंट का जो वहां पे दौर रहा है वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसी क्या आपत्तिजनक स्थिति आ गई जिसमें कि वहां से कारकेड को वापस करना पड़ा, और ये जो है स्थानीय वहां पर प्रशासन क्यों नहीं उसको हैंडल कर पाया। एसपीजी जो है वो उसकी एक लिमिट है, एक ओपी सागर लिमिटेड उसका ऑपरेशन। मैं इस पहलू पे भी जानना चाह रहा था आपसे कि जब देश के प्रधानमंत्री किसी रूट पर आ रहे और 10,000 सुरक्षा कर्मी उनकी सुरक्षा में लगे हुए हैं, तो क्या आप लोगों के पास इंटेलिजेंट इनपुट्स नहीं होते? जब देश का प्रधानमंत्री अगर रूट पर है जिस रूट को फॉलो करना है, तो क्या प्रशासन के पास, गृह मंत्रालय के पास इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट्स नहीं होते? बिल्कुल इनपुट्स होते हैं। देखिए लोकल इंटेलिजेंस है, स्टेट इंटेलिजेंस और सेंट्रल इंटेलिजेंस, तीन तीन इंटेलिजेंस की एजेंसियां जो हैं एक साथ काम करती हैं, और वो जो है मतलब एक साथ का मतलब ये नहीं है कि सब मिलके करें, अलग अलग फील्ड में काम करती हैं, और फिर ऊपर इसका कोऑर्डिनेशन होता है, उनके परीक्षण होता है कि तीनों एजेंसी हमारी क्या कह रही। इंटेलिजेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट है, और ये क्या इस जितने भी प्रधानमंत्री के विजिट हैं, इन छोटे छोटे जो है मुख्यमंत्री के विजिट है उसमें भी इंटेलिजेंस कलेक्शन होता है जी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आपको किसकी चूक दिखाई देती है? अब इसमें देखिए पूरा और समीक्षा की जरूरत है, मैंने एकदम कुछ बोलना ठीक नहीं है। देखिए चूक तो जरूर है, चूक जरूर है, इसको जांच का विषय भी है, जांच हो रही है उसमें, तो जांच के बाद में और निकल के आएगा साथ में कि आखिर क्या मुख्य वजूहात क्या थी, मेन रीजंस क्या थे, तो हम उसको देखते हैं क्या होगा अभी। ठीक, ओपी सागर सर मैं आपके पास आऊंगा और मैं समझूंगा कि रूट किस तरह से फॉलो किया जाता है, क्योंकि यह सामने आता है कि रूट एक नहीं होता, रूट तीन तीन भी होते हैं, और अंतिम वक्त पे एसपीजी डिसाइड करता है कि किस रूट को प्रधानमंत्री फॉलो करेंगे, और ये प्रशासन को बताया जाता है, जो स्टेट पुलिस होती है उसके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाता है, और वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन होता है वो मैं आपसे जानूंगा सर। लेकिन उससे पहले आकांश पंडित, क्योंकि आप किसान नेता हैं और आज एक बार फिर से किसानों के विरोध की चर्चाओं का जिक्र है, मैं आकांश पंडित आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये टकराव की स्थिति क्यों पैदा हो रही है पंडित जी, क्यों?
इसको टकराव का नाम दे दे। पंडित जी मेरा कहना ये है, मेरा कहना आपसे ये है, टकराव का नाम क्यों दे रहे हो? नहीं, टकराव का नाम इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब कोई रैली संबोधित करने वाले हैं वो पंजाब पहुंच रहे हैं और वहां पर प्रदर्शन होता है, उनके रूट को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, तो क्या ये टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो रही यहां से? नहीं, परिवार के सदस्य आकाश पंडित, आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं कनेक्ट कर रहा हूं, लेकिन मसला वही है। केवी त्रिपाठी जी, ओपी सागर सर कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, आप लोग कोऑर्डिनेट करके चलते तो दिक्कत आती नहीं, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देश के प्रधानमंत्री अगर पहुंच रहे किसी राज्य में तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर आपकी गलती नहीं थी, त्रिपाठी जी सवाल ले लीजिए, चर्चा ये आ रही है कि आपने एसपी को सस्पेंड कर दिया, आपने एसपी को सस्पेंड फिर क्यों किया? केबी त्रिपाठी जी, तिलक जी क्या प्रश्न है आप? सर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं थी तो फिर एसपी को सस्पेंड क्यों किया? ये खबरें आ रही है कि पंजाब पुलिस को इत्तला कर दिया गया कि एसपी को सस्पेंड कर दिया जाए, तो गलती नहीं थी तो फिर आप उससे पहले पूरा वक्तव्य की स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय चन्नी सूचनाएं दी है मीडिया के सामने कि किस तरह का घटनाक्रम घटा और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति कर रही है, और उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया कि प्रधानमंत्री जी चूंकि पद बहुत बड़ा है और वो आते अगर जो हमारे प्रदेश में तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ सौगात देकर जाते, तो कोई भी प्रदेश सरकार क्यों चाहेगी कि अभी प्रधानमंत्री जी ना वहां पहुंचे? और चुनाव आचार संहिता अभी लगी नहीं है, प्रधानमंत्री वो पूरे देश के हैं, पूरा उनका सम्मान है, लेकिन ये समझ में ही नहीं आ रहा कि अचानक एक रूट पर ऐसी दिक्कत होती है और वो प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। समस्या इस बात की है, जो सूचनाएं हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कहीं संवादहीनता भी दिखाई दी कि कोई सूचना नहीं मिलती है, बस राजनीतिक स्टेटमेंट आते हैं, इसने फोन किया उसने फोन किया, कहीं ना कहीं पूरी तरह से यह राजनीतिक रंग देने की कोशिश है और जिसको ये दिखाया जा रहा है कि फेलियर पंजाब सरकार का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तिलक जी संदीप दुबे करना चाह रहे हैं, जल्दी से आकाश पंडित मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बोलिए संदीप दुबे क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कांग्रेस के मित्र से पूछना है कि वो ये क्या सुरक्षा में इसको चुप मानते हैं कि नहीं मानते, पहली बात तो यही है। दूसरी बात, राज्य सरकारों को चुप की जिम्मेदारी जो तय करनी है, आज उसने अगर करा है एसपी सस्पेंड के आपके माध्यम से मान आ रही है खबर, तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप इसको स्वीकार करने के बजाय इसको राजनीतिक रूप क्यों दे रहे हैं? अगर इसको हम लोग ऐसे राजनीतिक रूप देंगे तो कल तो हर व्यक्ति के लिए खतरा उत्पन्न होगा। हमें तो लगता है कि कांग्रेस को नैतिक जिम्मेदारी अपनी तय करनी चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि राज्य सरकार को चूंकि पहले से जानकारी थी रूट की, तो राज्य सरकार की खामियां है, और आपने इसको राजनीतिक स्वरूप इसलिए दिया कि आप चाहते हैं कि किसान या जो भी लोग थे, इस तरह के लोग थे, वो प्रधानमंत्री जी के साथ कुछ भी गलत हो, कोई रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत के प्रधानमंत्री की तय नहीं कर पा रहे अपने प्रदेश के अंदर, और सुरक्षा नहीं तय कर पा रहे हैं, और आप सिर्फ दोष दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये दोष देने वाली राजनीति। ओके केबी त्रिपाठी, जल्दी से पंडित जी आ रहा हूं आपके पास। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरी तरह से जो आरोप लग रहा है, अगर जो एसपी को सस्पेंड किया जा रहा है तो उसका आधार ये है कि क्यों वहां पर बिना पूर्व सूचना के लोग इकट्ठे हुए, लेकिन 20 मिनट अगर जो यही तो बात है, यही वजह है केबी त्रिपाठी जी, बिना सूचना के कैसे इकट्ठे हो गए? एक प्रोटोकॉल है, वही तो ओपी सागर सर कह रहे हैं, आपको क्लियरेंस, आपको रूट क्लियर करना पड़ता है, रूट का कोई देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वीआईपी रूट लगा हुआ है, आपको रूट पूरा का पूरा रास्ता क्लियर करना है, 10 मिनट तक ट्रैफिक रोका जाता है। प्रदेश सरकार को जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम दिया गया तिलक जी, उसमें हेलीकॉप्टर से जाना है प्रधानमंत्री जी को, और उसके लिए जो इंतजाम वहां होने थे वो सारे इंतजाम हुए हैं। ओके पंडित जी, पंडित जी ये सियासत हो रही है, और क्या आप लोगों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए पहले तो मैं व्यक्तिगत तौर पर इस चीज की जो ये आज ये जो कार्यक्रम वहां पर हुआ है, मैं इस चीज पर ये कहना चाहता हूँ कि इसकी अगर थोड़ा व्यवस्था परिवर्तित करके, जो मैं भी इस चीज को कहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम आज वहां हुआ है
अगर इसमें ये मेरे हिसाब से व्यक्तिगत तौर पर ठीक नहीं हुआ, पहली बात। देखिए ऐसा नहीं है कि जो भी कार्यक्रम किया जाए तो उसको हर चीज में आंख मूंद करके उसका समर्थन, आंख बंद करके समर्थन किया जाएगा। देखिए चूंकि प्रधानमंत्री जी किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय पर के नहीं है, प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं। मैं विरोध प्रदर्शन के पक्ष में किसी भी बात को रखने के पक्ष में हमेशा रहता हूँ, लेकिन संवैधानिक दायरे में रहते हुए और व्यवस्था में रहते हुए अगर इस काम को किया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। और मैं आंदोलन के पक्ष में रहता हूँ, जिस बात को जो नहीं सुन रहा उसमें आंदोलन होना चाहिए, बिल्कुल 100% सही बात है। लेकिन चूंकि ये मामला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था तो, और इससे एक बहुत बड़ी चूक हो सकती थी, तो मैं इस चीज का, मैं इस चीज को नहीं कहना चाहता हूँ कि ये काम सही हुआ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये कह रहे हैं साजिश है, क्या आप लोग उस साजिश का हिस्सा हैं? नहीं, बीजेपी कह रही है ये साजिश थी ना, कोई, तो इसका मतलब ये हुआ आप लोग साजिश का हिस्सा हैं? साजिश है ना, कोई ये साजिश है ना, कोई किसी की साजिश का हिस्सा है। वहाँ के किसान परिवार के लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, शायद इसी माध्यम से हम अपनी बात को उन तक सुना ले जाए। अफसोस है जो कुछ हुआ? नहीं, मैं तो तुरंत पहले ही मैंने उस चीज पर कहा ना। आप ये कह रहे हैं कि आपको अफसोस है, लेकिन ओपी सागर सर, मैं आगे बढ़ूं उस पर भी, मैं उस विषय पर भी आऊंगा जिसको लेकर सियासत हो रही है, लेकिन ओपी सागर सर मुझे एक बात बताइए कि जिम्मेदारी किसकी थी जी? किसकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, जो रूट निर्धारित है उस रूट को आगे बढ़ा जाए, उसमें स्टेट पुलिस की और एसपीजी की क्या ट्विनिंग होती है, किस तरह से ट्विनिंग होती है, जरा ये भी बता दीजिए सर। देखिए कभी कभी आपातकालीन स्थिति आ जाती है। देखिए हेलीकॉप्टर से ओरिजिनल प्रोग्राम था जी, अभी देखिए दो दिन पहले दिल्ली से मेरठ का भी जो है प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर से प्रोग्राम था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं जा रहा था, तो बाई रोड आनन फानन में प्रोग्राम बनाया गया। और ऐसा नहीं है, उसका भी एक, चूंकि हम अल्टरनेटिव व्यवस्था करके चलते हैं, इसलिए जो बाई रोड जाने की भी जो है वो व्यवस्था बनाई गई थी। तो यहाँ पर थोड़ी अव्यवस्था जरूर हो जाती है कि एक तो किसी रूट को बहुत अच्छी तरीके से समझा गया है, उस पर बहुत फोर्स लगाई गई है, लेकिन वो जो है अचानक में अगर आपातकालीन स्थिति में हम रूट परिवर्तन करते हैं तो वहां पर थोड़ी अव्यवस्था लेती है, इतनी ही नहीं होनी चाहिए भाई। अल्टरनेट रूट का भी तो हमें सारा अरेंजमेंट पहले से ही करके चलना पड़ता है, एसपीजी ने भी उस पर रिहर्सल भी किया होगा, यही पंजाब में हुआ है। तो पंजाब में भी जब है हेलीकॉप्टर की अगर यात्रा रद्द हो गई थी, बाई रोड यात्रा करनी थी, तो उसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, थी। नहीं, ओपी सागर सर, हमें एक्स्ट्रा, ओपी सागर सर, क्या उस वक्त जब रूट आप फॉलो कर रहे हैं तब ये मालूम नहीं चलता कि आगे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर बाद, 5 किलोमीटर बाद क्या हो रहा है, क्या ये मालूम नहीं चलता उस वक्त? देखिए रूट पे तिलक जी और सभी जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जान लें, रूट पे ऐसा थोड़ी है कि रूट बिल्कुल खाली है पहले जो है जाके, रूट पे तो ऑलरेडी इतनी व्यवस्था होती है, पीछे जो है भीड़ के पीछे भी रहते हैं, भीड़ के आगे भी रहते हैं, छतों पे भी रहते हैं, बालकनी में भी रहते हैं, सब जगह सुरक्षाकर्मी रहते हैं ताकि उस भीड़ को पूरे अपने शिकंजे में बनाए रखे, ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, उनके कारकेड के साथ ना हो, उनके जो कार का काफिला है, इसलिए जो है इस अगर कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी अचानक हेलीकॉप्टर नहीं जा पाया तो फिर वहां पे जो भीड़ आने का इंटेलिजेंस कलेक्शन तो पहले से ही हो जाता है, इंटेलिजेंस कलेक्शन तो 3-4 दिन से लगा था। ओपी सागर सर छूट रहा है, अब एक बात और दर्शकों को ये समझाइए कि जब देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, गृह मंत्री आने वाले हैं किसी राज्य में, तब एसपीजी की जो टीम है, जो उनके सुरक्षा में जुड़े हुए लोग हैं, वो उस राज्य में कब पहुंचते हैं, किस वक्त पहुंचते हैं? वो लगभग देखिए 3-4 दिन पहले पहुंच जाते हैं। यस। और पहुंचने के बाद में लगातार मीटिंगें होती हैं, बैठकें होती हैं, और हमें इंटेलिजेंस फीडबैक लेते हैं उस लेवल पे। वहां पर देखिए स्टेट के जो सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग हैं, एडीजी सुरक्षा, डीजी सुरक्षा जो भी हैं, फिर एसपीजी के जो वो हैं,
फिर आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो इसको कोऑर्डिनेट करती है इंटेलिजेंस मशीनरी को, तब अगर वहां पर भीड़ कहीं इकट्ठी होने की संभावना है तो उसको पहले से ही कंट्रोल करना है, उनका कौन नेतृत्व करेगा उनको अगर समझाया बुझाया जाता है, नहीं तो उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट कर लिया जाती है। केबी त्रिपाठी जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मैं उसके बाद बहुत गंभीर विषय पर संदीप दुबे आपके पास आ रहा हूँ। केबी त्रिपाठी जी बोलिए क्या कहना चाहते हैं। मैं दो बिंदु रखना चाह रहा हूँ। एक तो पहला ये कि सुरक्षा की कहीं कोई चूक नहीं हुई है, यह सिर्फ एक तरीके से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। दूसरी ये चीज कि अगर पीएम का काफिला आधे रास्ते से वापस चला गया, आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक नहीं थी। प्रधानमंत्री जी के ऊपर, इसके केंद्रीय एजेंटों के ऊपर कोई मामला नहीं है। नहीं नहीं, 20 मिनट तक पीएम रास्ते में खड़े रह गए, आप ये कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक नहीं थी। सुरक्षा की ये बिल्कुल भी चूक नहीं है। सुरक्षा की इसलिए चूक नहीं कि सुरक्षा तो प्रधानमंत्री जी के साथ ही चल रही है। अच्छा। कहीं ना कहीं अगर जो रास्ता बंद हुआ है तो उसके लिए दोनों एजेंसियां जिम्मेदार है, तो इसमें राज्य प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, राज्य प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन राज्य प्रशासन को संपूर्ण सूचना दी जाएगी तब। चूंकि कार्यक्रम में वहां जाना नहीं था, इसलिए ये बहाना बनाया गया कि ये एक कारण बना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि कार्यक्रम में जाना नहीं था, रैली में हिस्सा नहीं लेना था, इसलिए उन्होंने ये बहाना बनाया। कुर्सियां पूरी तरह से खाली है तिलक जी, और ये कोई स्टेटमेंट कहीं भी भारत सरकार का नहीं आ रहा, ये स्टेटमेंट भाजपा के नेताओं के आ रहे हैं। इस समय देश इसी कंफ्यूजन में है कि भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार है या दोनों अलग अलग है। पंडित जी आप इत्तेफाक रखते हैं आप जो बात केबी त्रिपाठी जी कह रहे हैं? देखिए, मैंने तिलक जी आपको शुरुआत में इस बात को कह दिया है कि मैं विरोध प्रदर्शन के पक्ष में हमेशा रहता हूँ अगर कोई चीज है, लेकिन यहाँ पर मामला आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला था, और जो ये कार्यक्रम हुआ है वो कार्यक्रम ठीक नहीं था। इसी कार्यक्रम को अगर सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता तो ज्यादा बेहतर होता। और जो ये कार्यक्रम है, ये अगर इस तरह की बात नहीं आती जो आज ये इश्यू बन रहा है, ये गलत इश्यू बन रहे हैं, और इसमें ना कोई किसी हम जो किसान संगठन के लोग हैं, ना वो किसी भाजपा से मिले हैं, ना वो किसी कांग्रेस से मिले हैं। तरीका विरोध का था, लेकिन जो तरीका था उसको अगर सुव्यवस्थित किया जाता तो आज ये सब जो बातें हो रही वो नहीं हो पाती। ठीक, मैं अब महत्वपूर्ण विषय पर आ रहा हूँ। संदीप दुबे, मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिसका जिक्र केबी त्रिपाठी जी ने किया। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से वो जो खाली कुर्सियों का जिक्र किया जा रहा है वो तस्वीरें प्लीज प्ले करिए। अब मैं उस विषय पर इसलिए आगे बढ़ रहा हूं संदीप दुबे, क्योंकि यही तस्वीरें बार बार कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं। संदीप दुबे, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये वो तस्वीरें हैं जहां पर फिरोजपुर का ग्राउंड है और बीजेपी ने दावा किया था कि 2 लाख लोग पहुंचेंगे, और केबी त्रिपाठी ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इसलिए वापस लौटे क्योंकि ये कुर्सियां खाली थी। संदीप दुबे जी को स्क्रीन पर लाएं आप। संदीप दुबे जी, क्या ये मौसम नाराज था या वाकई में किसान नाराज थे? एक तो इसकी जांच हो, ये कितने बजे की। संदीप दुबे जी, नहीं तिलक चावला जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके समय की जांच करी जाए कि कितने कितने पहले आप की। तो केंद्र सरकार में है और आपकी पार्टी वहां पे कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, आपको खबर। एक मिनट, केबी त्रिपाठी जी, केबी त्रिपाठी जी, पंजाब के डीजीपी को के द्वारा आवश्यक सुरक्षा प्रबंधों की जब आवश्यक पुष्टि हुई उसके बाद प्रधानमंत्री जी सड़क यात्रा के लिए वहां से आगे बढ़े। आप अपने पंजाब के डीजीपी से पूछिए, कांग्रेस के नेता इसे राजनीति बनाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा तिलक जी, मैं महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने जा रहा हूं। पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। केबी त्रिपाठी जी, सागर साहब बैठे हुए हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे। केबी त्रिपाठी जी, आईएएस और आईपीएस अधिकारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के। केबी त्रिपाठी जी, एक मिनट संदीप दुबे जी, एक सेकंड प्लीज, एक मिनट में करेक्ट कर देता हूँ, एक सेकंड। चर्चा नहीं करेंगे संदीप दुबे जी, राजनीतिक अवसर क्यों तलाशना दे। संदीप दुबे जी, मैं एक सेकंड करेक्ट कर रहा हूँ। देखिए केबी त्रिपाठी जी, संदीप दुबे जी, पंडित जी, सुनिए मेरी बात। कांग्रेस संदीप दुबे जी, सवाल तो सुन लीजिए। उनके जो आवश्यक सुरक्षा प्रबंधकों की आवश्यक पुष्टि के बाद संदीप दुबे जी, प्रधानमंत्री जी वहां सड़क मार्ग से यात्रा करने के लिए आगे बढ़े कि नहीं, संदीप दुबे जी, ये प्रश्न का विषय है। जब डीजीपी को संदीप दुबे जी सड़क मार्ग तय हुई तो बीच रास्ते में इस तरह की अव्यवस्था क्यों फैलाई गई? संदीप दुबे जी,
संदीप दुबे जी, देखिए तकनीकी नजरिए से जितना ज्ञान ओपी सागर सर को है हमारे पास नहीं है, उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकार करिए। वो आप और हम से बीच में वरिष्ठ हैं, इस बात को जानते हैं कि ये मूवमेंट कैसे होता है, ये रूट कैसे तय होते हैं, वो सब तकनीकी विषयों पर मैं उनसे पूछ रहा हूँ। मुझे इतना बताइए संदीप दुबे जी कि पहली बार मैंने देखा कि देश के प्रधानमंत्री जहां पर रैली होने वाली है वो रैली रद्द हो जाती है, वो रूट पर आधे रास्ते से वापस लौट आते हैं। जो तस्वीरें कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही असली वजह है कि कुर्सियां खाली थी, मौसम नाराज नहीं था, किसान भी नाराज थे, इस वजह से ये पूरे का पूरा ग्राउंड खाली था। तिलक जी, बात इसका है कि कब की पिक्चर है, ये किस समय की फोटो है, इस तरह सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की रैली को बदनाम करने की जो कांग्रेस साजिश रच रही है या कांग्रेस द्वारा इस तरह का प्रायोजित जो काम हो रहा है, ये साफ साफ स्पष्ट करता है कि राजनीतिक तरीके से प्रधानमंत्री जी को उनके यश किसानों की नाराजगी थी, सुरक्षा को कितना बड़ा खतरा, किसानों की नाराजगी इसके पीछे एक वजह थी, ये साफ साफ इस विषय को दर्शाता है। संदीप दुबे जो सबसे बड़ी बात है, आप अपनी कमी को नहीं अपनी कमी को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ पंजाब के डीजीपी को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है, केवी त्रिपाठी जी सवाल पूछ लूं एक सेकंड के बजाय, संदीप दुबे प्रधानमंत्री पे उसके यश पे उसके संदीप दुबे जी पूरे भारत पे आप संदीप दुबे जी वो भी देश के प्रधानमंत्री पे, तो मुझे लगता है कि इससे शर्म की बात कांग्रेस सरकार के लिए कांग्रेस के लोगों के लिए नहीं होती। संदीप दुबे जी क्योंकि आज वो जा रहे थे जिस काम के लिए जा रहे थे वो विकास परियोजनाओं की सौगात देने, मैं उसी पर आ रहा हूँ। आप सवाल सुन लीजिए, दो बरस के बाद देश के प्रधानमंत्री पंजाब में कूच करते हैं पंजाब की तरफ। मेरे सवाल को गहराई से समझिएगा, जून 2020 जब आप कानून लेकर आते हैं तब उसके बाद से आप पंजाब की तरफ कूच नहीं करते, ठीक चुनाव से पहले क्योंकि 3 कानून लाए गए उसको शक्ल दी गई, उसके बाद से देश के प्रधानमंत्री वहां नहीं गए और अब वो गए, तो क्या वाकई किसानों की नाराजगी भी एक वजह थी, क्या किसानों की नाराजगी भी एक वजह थी जिसे आप नकारेंगे? प्रधानमंत्री से नाराज है, किसानों के जो भी मांग थे किसान जिस तरह से चाहते थे सर प्रधानमंत्री ने शहर स्वीकार किया, पक्का किसान तो प्रधानमंत्री जी से खुश हैं, पक्का प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, पक्का ये तो एक पूरी की पूरी एक प्रायोजित है और प्रायोजित जिस तरह से कांग्रेस ने इसका प्रायोजन किया है ये निंदनीय है और जितनी पक्का इनकी निंदा की जाए उतना कम है। संदीप दुबे जी आपने कहा जो मांगे थी उनकी पूरी हुई, अब मैं उसी पर आ रहा हूँ, फिर मैं पंडित जी आपके पास आ रहा हूँ, अगर मैं गलत दूंगा उसको दुरुस्त करिएगा। आपने कहा जो उनकी मांगे थी उनको पूरा करके उनको वापस लौटा दिया गया, अब सुनिएगा मेरी बात, आप बता दीजिएगा वो मांगे पूरी हुई या नहीं हुई, एमएसपी को लेकर कमेटी बनी कि नहीं जो बनाने का जिक्र किया था, कमेटी बनी एमएसपी को लेकर? एक सेकंड पंडित जी प्लीज, ऑलरेडी वहां पे है आप सुन लीजिए ना, एमएसपी ऑलरेडी पंजाब में लागू है सर, एमएसपी को लेकर अभी आपने कहा इनकी मांगे मान ली, मैंने आपसे मैं 4 सवाल पूछ रहा हूँ, फिर मैं पंडित जी के पास जा रहा हूँ, आपको मैं बता दूं 4 सवाल पूछ रहा हूँ। एमएसपी को लेकर कमेटी बनी जिसका जिक्र किया गया था कि कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनी यस और नो? नहीं नहीं कमेटी की बात ही नहीं है ना, जब तीनों कानून वापस हो गए सर, कमेटी की बात क्यों नहीं है जब देश के आपने कहा कि कमेटी बनाएंगे, आपने कहा एमएसपी को लेकर कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाई आपने? नहीं बनी, अभी हमने नहीं बनाई, बनाएंगे उसको, नहीं बनाई ना। अब सुनिए अगला सवाल, पूरे देश भर अब अगला सवाल आपने कहा था कि किसानों के ऊपर जो मुकदमे हुए हैं पुलिस केस वापस लिए जाएंगे, लिया आपने? ये केंद्र सरकार का काम नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ये केंद्र सरकार का काम नहीं है। अब अगला एक सेकंड केवी त्रिपाठी जी, अगर मैं सवाल नहीं पूछ रहा तो आप बोलिए कि मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसके पीछे आधार है कुछ, एक मिनट रुकिए, स्पष्ट जवाब नहीं दे रहा तो आप कहिएगा कि आप स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे। दुबे जी अब अगला सवाल सुनिए, मंत्री को इस्तीफा देने की मांग की गई थी किसानों की तरफ से, क्या वो मांग पूरी हुई? लखीमपुर खीरी कांड
अरे मंत्री जब दोषी नहीं है तो किस बात की वो कौन सी डिमांड आपने कैसे तय कर लिया कि वो दोषी है या नहीं है? प्रायोजित राजनीति कर रहे हैं तो वो तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग थी ना। मंत्री को हटा देंगे, मंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग थी ना। दोषी है या नहीं है वो तिलक चावला तय नहीं कर सकते, ना संदीप दुबे तय कर सकते। आप ऐसी किसी को अनजान को झूठे मूठे एक मिनिस्टर को झूठे मूठे बातें कर करके उसको आप फंसाने का काम करेंगे? अच्छा झूठ मूठ बात पे उसके लिए पुलिस आपने मान लिया ना, चार्जशीट तो दाखिल हो गई। ओके अब मुझे एक और सवाल, चौथा सवाल, फिर मैं पंडित जी के पास जा रहा हूँ। पराली जलाने के बाद जो क्लॉज का जिक्र था 14 और 15 उसको हटाया गया? अरे तो केंद्र सरकार इसके लिए कानून बनाती है कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है? सर मैं वही तो कह रहा हूँ, आप ही मुझे कह रहे थे, आप ही मुझे समझा रहे थे ना कि तिलक चावला सारी तो मांगे मान ली। मैंने चार सवाल पूछे आपसे, राज्य सरकारें बनाएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा? अच्छा तो आप तो कह रहे थे सारी मांगे मान ली, बनाना है कानून तो आप तो कह रहे थे सारी मांगे मान ली, पंजाब सरकार बनाएगी, आप तो कह रहे थे सारी मांगे मान ली, मांग ली ना तीनों कानून वापस। मैंने आपके सामने चार सवाल पूछे, आपने कहा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए साहब बात तो कानून लाना आपकी जिम्मेदारी थी। बात ये है कि प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा में जो चूक हुई है। अच्छा ये सवाल नहीं पूछूं मैं आपसे, ले रही है या नहीं ले रही है? अच्छा ये सवाल नहीं पूछूं क्योंकि मीडिया ने नहीं, गोदी मीडिया नहीं पूछ रही आपसे, इसलिए मैं ये सवाल ना पूछूं। आप इस विषय को दूसरे तरीके से कह रहे हैं ना सर, अभी तक आपको अच्छा कर देना चाहता। आपकी पसंद का सवाल पूछो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, संदीप दुबे आपकी पसंद का सवाल, अलग अलग अधिकार है, राज्य सरकार अपने तरीके से कानून बना सकती है। गजब बहुत बढ़िया, ये स्टेट सब्जेक्ट आ जाता है जब आप बिना चर्चा के कानून ले आते तब स्टेट सब्जेक्ट नहीं होता। किसी राज्य से नहीं पूछा जाता, किसानों से नहीं पूछा जाता, कानून ले आते हैं फिर स्टेट सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है सर, ओके। पंडित जी बनता है साहब, संसद भवन में बनता सर, मैं मान गया आपकी बात, मैं मान गया कानून रोड पे, रोड पे आपको बता दिया जी, रोड पे ला दिया है पंडित जी रोड पे पंडित जी, संदीप दुबे आपने अपनी बात रखा ना, मैंने आपको रोका नहीं टोका नहीं। पंडित जी क्या ये मेरे सवाल पूछने का आधार इसलिए था, मैं जानता हूँ ये सवाल इसलिए नहीं पूछे जा रहे क्योंकि कुछ जगह स्क्रिप्ट तय होती है। मैंने ये जो सवाल पूछे इनमें से एक सवाल भी गलत है? देखिए पहले तो अब आपने उस निचोड़ पर पहुंच गए जो मैं उस समय नहीं कह पा रहा था, ये विरोध क्यों हुआ था, विरोध का तरीका गलत था लेकिन विरोध सही था। कारण क्या है, जिस दिन ये जिस विषय को लेकर के किसानों ने अपने आंदोलन की वापसी की थी, संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा जो एक ऐतिहासिक आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन में जो लगातार मैं आपके चैनल में और लगातार हर चैनलों में भी कह रहा था, भाजपा के पूर्व में भी कई प्रवक्ता हमसे इस बात को कहते थे, हमने कहा देखिए आधी बात को पूरी बात करने की प्रयास कृपया ना किया जाए। आज वही स्थिति पर उसी स्टेज पर हम लोग फिर खड़े हुए हैं। आज देश के गृह राज्य मंत्री एनी साहब ने इस चीज को कहा था कि अगर मेरा लड़का चार्जशीट में, अभी उस दिन आपके पत्रकार साथी को भी उन्होंने अपशब्द कहने का काम किया था कि क्यों भाई चार्जशीट आ गई क्या जो तू मुझसे पूछ रहा है, और इस तरीके की जो बात किए थे, आज वो चार्जशीट भी आ गई है पंडित जी, जिसमें पुलिस के द्वारा ये बताया, कोर्ट का विषय है वो चार्जशीट जिनको आरोपी बनाया गया उनसे बिना पूछताछ के दाखिल हो गई। वो ओपी सागर सर बता सकते हैं कि वो मैं नहीं जानता, कभी मैंने सुना हो कि भैया जिसके ऊपर आरोप लगे हो, जिसका नाम एफआईआर में हो, उससे पूछे बिना चार्जशीट दाखिल हो जाए, वो एक अलग विषय हो जाएगा। मैं एक बात पंडित जी जानना चाह रहा हूँ, अब मैं मान लूं कि अगर आप लोग आप इससे विरोध को जायज मानते हैं, आप ये कहते हैं कि असली वजह इसके पीछे ये है, विरोध का तरीका गलत है, लेकिन फिर भी सवाल मेरा यही है, मैं मान लूं कि आप लोग पंजाब में देश के प्रधानमंत्री की रैली नहीं होने देंगे? नहीं, फिर वही बात आप कह रहे हैं ना, हमारा विषय यही था कि जिस चीज को लेकर के आंदोलन हुआ था, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने इस आंदोलन की वापसी करवाई थी, उस चीज को क्यों नहीं अभी तक पूरा किया जा रहा है, उसको तत्काल पूरा कर दिया जाए। आप विरोध की जो स्थिति को बार बार ये कह रहे हैं, मैंने आपसे पहले इस चीज को कहा है कि आंदोलन जो हुआ था आपसे लास्ट दिन, जिस दिन आपसे मेरी लास्ट डिबेट हुई थी, जिस दिन आंदोलन हमारा पूर्ण हुआ था, जिस दिन हम लोग वापसी कर रहे थे, हमने आपके भी मंच के माध्यम से इसको आश्वस्त किया था कि या तो
आपके द्वारा जो बात कही जा रही है अगर उस बात को पूर्ण नहीं किया जाएगा तो ये आंदोलन आज समाप्त नहीं हो रहा है, इस आंदोलन को लगातार पहुंचाया जाएगा। आपको याद हो अगर तिलक जी मैंने कहा था, आपसे खुद कहा था मैंने इस चीज को। और यदि मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से हम बिल्कुल करते रहेंगे, जिस मांग को लेकर के हम लोग आंदोलन में बैठे थे उस मांग को पूर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों की मांग बिल्कुल जायज थी। और एमएसपी जैसे कि अभी आपने कहा कि पंजाब में एमएसपी, ये जो आंदोलन हुआ था ये किसी राज्य का आंदोलन नहीं था, संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा आंदोलन किया गया था। ओके ओके, मैं अभी उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ओपी सागर सर मैं अब उस विषय पर आ रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि मसला ये नहीं है, किसान आंदोलन थोड़ी ना मसला है, किसानों का विरोध मसला थोड़ी ना है। वो ये कह रहे कि मसला जो है, जो मुझे संदीप दुबे जी समझा रहे हैं, वो कह रहे कि मसला तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का है। मैं उसी से जोड़कर आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर मगर किंतु परंतु ऐसी स्थिति आई, प्रदर्शन पहले से हो रहा था, विरोध पहले से हो रहा था, यह तो मालूम चल गया कि प्रधानमंत्री इस रूट पर आएंगे, या उनमें से एक तीन रूट में से एक रूट यह भी हो सकता है, तो मेरा सवाल यहीं पर यही खड़ा होता है ओपी सागर सर कि क्या वो नौबत आ चुकी थी कि आप कम से कम बल प्रयोग ना करके इन्हें समझाएं कि प्रधानमंत्री का रूट है, आपको यह रूट खाली करना है, क्या वो कोशिश भी की गई होगी लगता है आपको? देखिए अब इसका कोई साक्ष्य हम लोगों के पास तो नहीं है कि कोशिश की गई कि नहीं की गई। हाँ। लेकिन अगर कोशिश की जाती तो उसका परिणाम सामने होता है। हाँ। देखिए अगर समझाने से नहीं आते तो फिर जो भी आवश्यक बल है उसका इस्तेमाल करके हटाया जाता है। प्रधानमंत्री का रूट तो क्लियर करना ही है, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तो कोई चूक रखनी नहीं है, तो उस खामी को दूर करने के लिए जो भी यत्न हो सकता है, प्रयत्न हो सकता है, स्थानीय पुलिस को करना चाहिए। और उसमें जो मैं समझता हूँ कि हम अल्टरनेट रूट भी है, अगर हम बाई रोड उनको ले जा रहे हैं तो प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ तो उनके तो क्या ओपी सागर सर जिस तरह का विवाद खड़ा हो रहा है, इसमें जो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज है वो एक आधार बन सकता है सच्चाई को निकालने का कि आखिरकार ये वाकई साजिश थी या फिर कुछ और? बिल्कुल, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट साक्ष्य हो गया है आज की तारीख में कि जो भी कैमरे का रिकॉर्डिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है और असली बात बता देता है कैमरा। तो ये अब जांच में जरूर ये सब चीजें आएंगी कि वहां पर कैसे वहां भीड़ हो गई, कैसे भीड़ जो है उसकी पहले से जानकारी नहीं की गई, अब ये उन्होंने आकलन नहीं किया इंटेलिजेंस मशीनरी ने कि वहां पर किस स्तर तक पहुंच सकते हैं भीड़ और किस स्तर तक वो रास्ता रोक सकते हैं, और रास्ता रोक तो पहले से जो स्थानीय पुलिस है उसको रूट तो क्लियर करना ही पड़ेगा तुरंत, जिस समय वार्निंग कार आती है, देखिए कम से कम 1 किलोमीटर पहले वार्निंग कार होती है प्रधानमंत्री के काफिले के पहले, तो वो जब वार्निंग कार आती है तो उस समय वहाँ अच्छा रूट पे थोड़ी थोड़ी दूर पे अधिकारी लगे होते हैं, कर्मचारी लगे होते हैं, और इतने पर्याप्त वहाँ पे जहाँ पर भीड़ हो रही है वहां तो तुरंत लोग रश करके पहुंच जाते हैं, उन सबको जो है खदेड़ देते हैं वहां से, समझा बुझाने से नहीं अगर काम चलता है तो फिर जाहिर सी बात है बल प्रयोग भी करना पड़ता है, उसके लिए अगर ज्यादा बल प्रयोग भी किया जाए तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए वो आवश्यक ही माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो केबी त्रिपाठी जी, केबी त्रिपाठी जी, जी जी, टकराव हुआ क्यों, क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन टकराव हुआ ये बिल्कुल साफ है, तो कम से कम ऐसी स्थिति आपको लगता है कि भविष्य में कहीं ना कहीं एक और विवाद को जन्म दे रही है, जहां आपका राज्य है वहां आप घुस नहीं सकते, जहां आपका राज्य नहीं है वहां आप खुले तौर पर रैलियां करेंगे, तो आपको लगता है कि एक टकराव की स्थिति पैदा हो गई राजनीतिक दलों के भीतर? बिल्कुल भी नहीं तिलक जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता हूं, दरअसल पूरी तरह से यह कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। भारत सरकार अगर जो कोई एक्शन लेना चाहेगी तो संघीय व्यवस्था में क्या राज्य की सरकार केंद्र की सरकार से बाहर है? मैंने अभी एक और प्रश्न उठाया था कि अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी होते हैं IAS और IPS अधिकारी, जैसा कि ओपी सागर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप भारत सरकार के अधिकारी हैं, वहां पंजाब में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो भारत सरकार के अधिकारी हैं, और इतनी बड़ी कोई चूक नहीं है, ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। मैं सरकार नाम नहीं ले रहा हूँ, जोर देके कह रहा
भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसे मुद्दा बना रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनकी स्थिति बहुत खराब है। आज भी कई ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि जहां भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं, पब्लिक उनको दौड़ा रही है, भगा रही है, क्योंकि एक साल तक पंजाब का किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठा रहा और ये केंद्र सरकार बात नहीं कर रही थी। तो किसानों की गुस्सा बहुत स्वाभाविक है और किसानों का एक भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ है और कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो विरोध प्रदर्शन भी देश में एक अधिकार है लोगों के पास। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा काफिले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और मुझे ये खुद लगता है, जैसा भी ओपी सागर साहब ने कहा कि इतने बड़े इंतजाम होते हैं, पहले एक वार्निंग गाड़ी चलती है, ऐसा चलता है। मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से वो खाली कुर्सियों वाली तस्वीरें एक बार फिर से प्ले करें, जिसको लेकर संदीप दुबे ने कहा ये तस्वीरें कब की है, जरा मुझे भी बताओ ये कितने बजे की तस्वीरें हैं जो कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं। मैं एक आप बात जानना चाह रहा हूं केबी त्रिपाठी जी, अब आपके नेता और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखा जाता है कि प्रधानमंत्री जी चूक सुरक्षा में नहीं हुई, नियत में थी, खाली कुर्सियों को देख कर बीच रास्ते से विदाई लेने की सच्चाई देश जानता है। अब आप बताइए ये जायज है इस तरह की तस्वीरों को आप पोस्ट कर रहे हैं ट्विटर पर? निश्चित तौर पर जायज है, जो सच है वो सामने आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने पहले तो कोशिश की कि मौसम पे ठीकरा फोड़ा जाए, और ये तस्वीरें भी भारतीय जनता पार्टी ने ही जारी की कि वहां मौसम खराब है और वहां पे ये छाते लगा के खड़े हुए हैं और ये सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। संदीप जी पूछ रहे समय की जांच होनी चाहिए, समय आपको पता होना चाहिए कि बारिश कब हो रही थी और कुर्सियां आपने कब वहां लगवाई थी। कार्यक्रम तो भारतीय जनता पार्टी का था, कुर्सियां कम लगी आपको ठीक से बताओ, मौसम नाराज नहीं था, मौसम पर पहले ठीकरा फोड़ने की कोशिश की और मौसम पे नहीं फूटा तो सुरक्षा पे फोड़ दिया, लेकिन कार्यक्रम होना ही नहीं था। ओके हो गया, ये कह रहे मौसम नाराज नहीं था, किसान नाराज थे। संदीप दुबे तिलक जी साफ साफ स्पष्ट कांग्रेस के मित्र ने कह दिया कि ये सुबह सुबह की जब तैयारी होती है, टेंट वाले लगाते हैं, कुर्सी लगाते हैं, तब की तस्वीर है, ये स्पष्ट इन्होंने कर दिया। दूसरी बात तेरा सवाल नहीं ये कहा, मैंने कहा कुर्सियां आपने लगवाई, आपको पता कर की ये कुर्सियां अभी 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 दो मिनट पहले, अभी अभी 30 सेकंड पहले आपने बात की, एक मिनट अभी अभी मैंने आपसे ये कहा है कि ये साहब जो कह रहे हैं आपने लगवाई, आपको पता है कब कुर्सियां आपने लगवाई। संदीप जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुर्सियां कब लगी, पूरा देश देख रहा है भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी को और आपस नौटंकी को पूरा देश पहचान चुका है कि किसानों को आप मजाक समझते हैं। आप जब चाहे सोते में कानून ले आए, जब चाहे सोते से जगह कानून वापस ले ले, किसान एक साथ बैठा रहे उसकी न सुने, किसानों के ऊपर गाड़ी चलाए तो मंत्री का लड़का कार्रवाई में हो। पंडित जी 30 सेकंड आपके और 30 सेकंड फाइनल कमेंट ओपी सागर सर आपका लूंगा मैं। क्या वाकई यही नाराजगी की वजह है जो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सियां रैली से पहले खाली थी? देखिए एक चीज बिल्कुल सही है ना तिलक जी, आपने अब मुझको बोलने दिया जाए, दुबे जी आपकी बात सुन ली गई है, थोड़ा सा 30 सेकंड मुझको ही बोल लेने दिया जाए। अरे तिलक जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दुबे जी प्लीज, कि ये विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक एमएसपी पे गारंटी पर बात नहीं हो जाएगी, जब तक जितने इन्होंने वादे किए उसको पूरा नहीं किया जाएगा। ओके, आप ये कह रहे हैं आंदोलन यही जारी रहेगा, लेकिन उग्र आंदोलन ये वाकई सवाल खड़े करता है। मैंने 26 जनवरी को भी कहा था, लोकतांत्रिक तरीके से 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था वो लोकतांत्रिक नहीं था, आंदोलन होना चाहिए। ओपी सागर सर अब इस पूरे मामले की जांच कैसे हो सकती है? जांच तो देखिए इसमें केंद्र की टीम और स्टेट की टीम दोनों जांच करेंगी, कंबाइंड रूप से करती है तो ठीक है, नहीं तो वो अलग अलग करेंगी। और देखिए एक मजिस्ट्रियल जांच, ये एक जो है किसी हाई कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज के नेतृत्व में भी हो सकती है, लेकिन जांच जरूर होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल जांच जरूर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच ओपी सागर सर, हमारे साथ जुड़े हुए थे, केबी त्रिपाठी जी आपका भी, संदीप दुबे जी आपका भी और आकांश पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन विषय वाकई गंभीर है, जांच होनी चाहिए, मसला देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा है, जहां चूक हुई जिसकी खामी है उसे सजा भी मिलनी चाहिए। आज का विषय वाकई गंभीर था और इस विषय के बारे में सोचिए कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति कितनी जायज है।
ये अपने आप में एक सवाल है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।